आज वीडियो हमारी थोड़ी सी लेट हो चुकी है और थोड़ा सा आज आप लोगों को डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगा, तो एडजस्ट कर लेना। बाकी वैष्णो देवी कटरा से आप लोगों के लिए प्रस्तुत है बिल्कुल फ्रेश अपडेट। वैष्णो देवी कटरा के अंदर चालू हुआ एकदम से कड़कदार बारिश और बिल्कुल कड़कदार बिजली के साथ में मौसम बिल्कुल खराब बना हुआ है कटरा के अंदर। जय माता दी सभी को। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से मैं विजय द्वारिया आज दिनांक 2/3/2024 की बिल्कुल ताज़ा खबरों में आपका स्वागत करता हूं। पूरे दिन की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करने से पहले आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि इस टाइम कटरा के अंदर अच्छी खासी मात्रा के अंदर बारिश चल रही है और जैसा कि सामने आप लोगों के विजुअल है सुबह के तकरीबन 11 बजे का ये विजुअल और आप लोग देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छी खासी मात्रा में कटरा के अंदर बारिश चल रही है और काफ़ी तेज़ हवाएं के साथ में बिल्कुल मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा बना हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को तकरीबन 5 दिन पहले ही आप लोगों को सूचित कर दिया था कि कटरा के अंदर तकरीबन 1, 2 और 3 तारीख को अच्छी खासी मात्रा के अंदर बारिश देखने को मिलनी है। हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक बैठी और बिल्कुल 1 तारीख से कटरा के अंदर अच्छी खासी मात्रा में बारिश देखने को मिल गई थी। आज 2 तारीख हो गई है, 2 तारीख को कटरा के अंदर पूरी रात और पूरे दिन से अच्छी खासी मात्रा में कह सकते हैं एकदम से ताबड़तोड़ बारिश चल रही है। जैसा कि नज़ारा आप लोगों के सामने भी है, बिल्कुल पूरा का पूरा ग्राउंड अच्छी खासा गीला है और अच्छी खासी मात्रा में अभी भी यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है। जो भी भक्तगण इस टाइम श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच रहे हैं, आप लोगों को बता दें कि इस टाइम अच्छी खासी मात्रा में आप लोगों को ठंड लगने वाली है, तो बढ़िया से आप लोग गर्म कपड़ों की व्यवस्था करके कटरा के तरफ रवाना होना। चलिए बात करें भवन के बारे में, तो आप लोगों को बता दूं भवन के ऊपर तकरीबन माइनस में जो है टेम्परेचर रात के टाइम में पहुंच गया था और दिन के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भवन के ऊपर हम लोगों को ठंड देखने को मिल रही है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कितने तेज़ कटरा के अंदर हमें बारिश देखने को इस टाइम भी मिल रही है और भवन के ऊपर अच्छी खासी मात्रा में बारिश हो चुकी है। और जैसा कि अभी आप लोगों को बता दूँ अभी कोई बर्फबारी का कोई संकेत नहीं है, भवन के ऊपर से सिर्फ बारिश ही बारिश चल रही है, लेकिन कटरा के अंदर ठंडा मौसम एकदम से चिल्ड बना हुआ है। चलिए बात कर लीजिए प्राचीन गुफा की, आप लोगों को बता दूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा में भवन के ऊपर जो प्राचीन गुफा है सुबह और शाम के टाइम दोनों टाइम खुल रही है। और इस टाइम आप लोगों को बता दूँ रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास प्राचीन गुफा खुल रही है और रात को तकरीबन 1:30-2 बजे तक बढ़िया से प्राचीन गुफा के दर्शन हो रहे हैं। वही दिन की बात करें, दिन में थोड़ी सी श्रद्धालुओं की भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो आप लोगों को 10 से 11:30 या 11 बजे तक के आसपास तक प्राचीन गुफा खुलती हुई देखने को मिल रही है। जितने भी विजुअल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये आज सुबह से लेकर और तकरीबन 11 बजे के आसपास तक ये सारे विजुअल है और कटरा के अंदर अच्छी खासी मात्रा में रात को अच्छी खासी मात्रा में बारिश के साथ साथ बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त बिजलियाँ भी कड़कती हुई देखने को मिल रही है। भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, तो दर्शनों के लिए बिल्कुल किसी को इंतजार नहीं कर सकता करना पड़ता और बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी के दर्शन हो रहे हैं। वहीं गर्भजून गुफा की बात करें तो गर्भजून गुफा के अंदर तकरीबन 5 घंटे से लेकर 8 घंटे के अंदर आप लोगों के गर्भजून गुफा के दर्शन बिल्कुल आराम से हो जाते हैं। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं रोपवे के बारे में। जो रोपवे की सेवा लगातार 3 दिनों से बंद चल रही थी कटरा के अंदर, तकरीबन कह सकते हैं 28, 29 और 1 तारीख को कटरा के अंदर जो भवन से और भैरव बाबा तक जो रोपवे की सेवा मिलती है वो नहीं चल रही थी, लेकिन आज 2 तारीख से वो प्रॉपर अपने सुबह से ही लगातार वर्किंग के अंदर है। चलिए इसके बाद आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि मई मंथ की जो हेलीकॉप्टर की टिकट है वो अवेलेबल है साइट के ऊपर www.maavaishnodevi.org साइट पर आप जाइएगा, मोबाइल नंबर भरिएगा और उसके बाद पासवर्ड आ जाएगा, सीधा आप लोगों के ऑप्शन खुल कर आ जाएंगे, आप लोग अपनी हेलीकॉप्टर की सेवा घर बैठे ही बुक कर सकते हैं इस टाइम। चलिए इसके बाद आप लोगों को एक छोटी सी हिदायत देता हूँ कि आप लोग अगर छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं तो वैष्णो देवी भवन पर जाने के बाद बहुत ज़्यादा आप लोगों को ठंड मिलती है, तो वहाँ पर बच्चों को बिल्कुल बढ़िया से कवर अप करके रखना, उनके लिए एक्स्ट्रा कपड़े आप लोगों को रखने हैं। और जो ज़्यादा ठंड हो जाती है वहाँ पर फ्री में रुकने के लिए दुर्गा भवन है, पार्वती भवन है, मनोकामना भवन है, ये तीनों जगह आप लोग यूज कर सकते हैं। इन तीनों जगह पर आप लोगों को फ्री में रहने ठहरने की व्यवस्था बढ़िया से मिल जाती है, आप लोगों को यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं क्या भवन पर बर्फबारी हो सकती है, तो आप लोगों को बता दूँ अगर आज पूरा दिन और कल की रात भी अगर भवन के ऊपर जो अच्छी खासी मात्रा में जैसा कि आज बारिश हो रही है इसी तरह से हो जाती है तो कल सुबह तक हम लोगों को भवन के ऊपर जो बर्फबारी है वो देखने को मिल सकती है। चलिए हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही होगी और जानकारी अगर पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को वैष्णो देवी कटरा से यूनिडेली फ्रेश अपडेट मिलती रहे। सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय माता दी।